एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 10 a plus b is equal to root 3 दिया है एंड 10 a minus b is equal to 1 upon root 3, यानी 10 a पर जब जोड़ा गया है तो root 3 के बराबर है, जब माइनस कर दिया गया तो 1 upon root 3 के बराबर है। अब बोला क्या है कि जो a plus b है वो क्या है, 90 से छोटा है या 90 के बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा है, तो a है b से क्या है बड़ा है, तो a और b की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग इसको पहले यहाँ पर लिखा, तो क्या हुआ 10 a प्लस बी से रूट थ्री दिया, तो 10 में किसकी वैल्यू जो होती है रूट थ्री के बराबर होता है, 10 60 के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ 10 60 की जो वैल्यू, यानी कहने का मतलब a प्लस बी और कितना है 60, यानी कहने का मतलब यहाँ से है a प्लस जो b है वो 60 है, ये क्वेश्चन वन हो गया। ऐसे सेकेंड वाला भी करना है कि 10 a माइनस जो बी है वो 1/√3, तो अब ये बताना है कि जो 10 में जो a माइनस बी है वो किसकी वैल्यू होती है, क्योंकि 1/√3 जो है, यानी a माइनस बी की जगह पर क्या लिखेंगे, थर्टी, यानी यहाँ पर लिख लेते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन हो गया। बस चैप्टर ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो देखो ये दो इक्वेशन हमको मिल गया, एक हमारा ये इक्वेशन है और ये हमारा ये इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे तो चलो सॉल्व करते हैं। लिखेंगे आप ये सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या करेंगे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये a प्लस बी है वो क्या है 60 के बराबर है, इसके नीचे इसको भी करते हैं a माइनस बी है इक्वल टू 30 के बराबर है, क्लियर है। तो देखो ये प्लस का भी है माइनस का भी है, क्या हो जाएगा a प्लस a कितना हो जाएगा इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब ये बताओ a की वैल्यू 45 है तो 45 या तो आप इसमें रख लो या इसमें रख लो, जो आपको इजी लग रहा हो उसमें a की वैल्यू 45 रख लो, b की वैल्यू निकल जाएगा। तो चलो रखते हैं हम लोग इसी में रख देते हैं, a की जगह पर क्या लिख देंगे 45, चलो लिखते हैं 45 माइनस b इक्वल टू 30, देखो ये प्लस में इसको हम लोग इधर लिख देंगे किसमें हो जाएगा माइनस में, यहाँ क्या बचा माइनस का b बचा 30 माइनस का 45, तो माइनस का बी इक्वल टू माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, जो बी की वैल्यू है एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा, एक वैल्यू 45 तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगा 50। आसान है कि नहीं क्वेश्चन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लो जितना स्टार ट्रिपल स्टार।